समाज सेवी स्वर्गीय कैलाश राजानी की स्मृति में आज देवास के विक्रम सभा भवन में एक निशुल्क चर्म रोग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर करीब 450 के करीब लोग यहां पर आए और उन्होंने स्वास्थ्य लाभ लिया। अच्छा, आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई? हाँ, ये हाथ में फुंसियाँ हो रही। अच्छा अच्छा अच्छा, दिखा दे आपने? हाँ, अभी नहीं दिखाया, दिखाना है। क्या नाम है आपका? भंवर सिंह चौधरी। राजानी, परिवार से जो सेवा हो रही है बहुत ठीक लगा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। राधेश्याम गौड़ बोल रहे हैं। अच्छा दादा, आप किस चीज़ का इलाज करवाने के लिए आए हैं? मेरे को खास खुजली हो रही दादा। अच्छा, तो आपको पता कैसे चला, कैसे किस माध्यम से पता चला? ये मतलब ऑटो रिक्शा चल रहा था, उनने बताया था, इससे पता चला। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा राधेश्याम गौड़ नाम। कहाँ से आए हैं आप? कालूखेड़ी से। अच्छा, आप यहाँ पर आए हैं, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा, जैसे इलाज करवाया? इलाज करवाया। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनीता भाई। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? हम नैयाबाद, माता जी रोड। अच्छा अच्छा, बोलो। निशुल्क हम दिखा मनोज राजानी जी। अच्छा, क्या दिखाया है, क्या दिखाना है आप? चेहरे। अच्छा, क्या नाम है आपका? अर्चना। आज यहाँ पर जो विक्रम सभा भवन में किस तरीके का आयोजन था, थोड़ा बताएं आप। छोटे भाई स्वर्गीय कैलाश राजानी की स्मृति में यहाँ पर एक चर्म रोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिवर्ष कुछ न कुछ हम छोटे भाई की पुण्यतिथि के अवसर पर इस तरह का कार्य करते हैं जिससे समाज को लाभ पहुँचे। आज भी लगभग 450 के आसपास पेशेंट यहाँ पर आए हैं जिनका फ्री ऑफ कास्ट इनका इलाज किया जा रहा है और दवाइयाँ भी निःशुल्क दी जा रही है। अच्छा भैया, पहले भी आपने हेलमेट बांटे थे, इस तरीके की जो प्रक्रिया लगातार आपके द्वारा की जा रही है समाज को जागरूक करने के लिए, और क्या मैसेज देंगे आप लोगों को? देखिए, एक्सीडेंट्स की जो डेथ होती है उसमें हम लोग हमारी लापरवाही की वजह से अधिकांश मौतें होती हैं। मैंने वो दर्द भोगा है। छोटे भाई की एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, तो कोशिश रहती है कि समाज में इस तरह का कृत्य वापस दोबारा न हो। तो हमारी कोशिश रहती है कि हेलमेट बांटे जाएं या जागरूकता लाई जाए कि हम यातायात के नियमों का पालन भी करें और कहीं ना कहीं जो गलतियां हमसे होती हैं उनसे बचें जिससे हमारा जीवन सुरक्षित रह सके। मैं समाज के सभी सुधी नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यातायात के नियमों का आवश्यक रूप से पालन करें। यह नियम आपकी जान माल की रक्षा के लिए ही है। पुलिस वाले अगर कहीं रोकते हैं आपको तो आपकी जान के लिए ही रोका जाता है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर कानून का पालन करें।